अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। ये उन लड़कियों के लिए वीडियो है जिनके हाथों और पैरों की स्किन जो है ना, वो उनकी बहुत ही रफ़ हो चुकी है, काली हो चुकी है, और उनको भी जो है ना सर्दियों में बड़ा मसला होता है, स्किन के ऊपर जो मैल कुचैल जम जाती है ना, उन लड़कियों के लिए है। क्योंकि मुझे इनके इसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि आपकी कोई वीडियो हमें ये बना के दिखाएं ना कि जिसमें हमारे हाथों की मैल उतर जाए। तो आज की वीडियो, आज की रेमेडी उन लड़कियों के लिए है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारी वीडियो में जो चीज़ें हमें दरकार होंगी, उनमें सबसे पहले एक होगा जी साफ़ सुथरा सा बाउल, और एक होगा हमें चाहिए होगा लेमन। ये पूरा लेमन है, आपको सिर्फ मैं सैंपल के तौर पे बनाना सिखा रही हूँ कि आपने, अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप एक दो लेमन अपनी उसकी क्वांटिटी जो है ना चीज़ों की बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने यूज़ करना है लेमन। लेमन का आपको पता है कि इसके अंदर जो कुदरती तौर पर जो है ना, वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। लेमन का जूस जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही कारामद होता है, और उसके साथ साथ इसके जो छिलके होते हैं वो भी आपको पता है कि हर रेमेडी में यूज़ होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना टोटका है, जो लेमन के साथ हम इसको बनाएंगे। और इसके अंदर जो है ना, जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आपने वही वही चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि लेमन जो है इसमें भी कुदरती तौर पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। और मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, ये है आलू है मेरे पास, पोटैटो, उसको मैंने ग्रेट करके ना तो छोड़ दिया था, ये देखें उसका ना ये जूस जो है ये निकल आया है। ठीक है, लेमन का जूस आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा जो है वो मुफीद है, और ये जो स्किन के ऊपर आप लोगों की ये जो सनबर्नस हो जाता है, जो मैल कुचैल जम जाती है ना, उसको निकालने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसके जो है एक से डेढ़ चम्मच आप इसके अंदर यूज़ कर लें लेमन का, इसका सॉरी आलू का जूस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारा बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। हम इसके अंदर हाफ जो है ना, ये एक टीस्पून होगा तकरीबन, ये आपने यूज़ करना है, और इसको ऐसे छोड़ देना है। ये देखें, ये हो गया, एक्टिव हो गया है हमारा सोडा। ये हमारी एक आप समझ लें कि DIY ब्लीच भी हो गई है रेडी। और ये जो टोटका आपको मैंने बना के दिखाया है, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है, ये हमारी स्किन के ऊपर से जितनी मैल कुचैल कालापन होगा ना आपके हाथों और पैरों की स्किन के ऊपर से, ये रिमूव कर देगी। अभी आपने इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, इसको 2 मिनट देने हैं ताकि इसके जो बबल्स हैं ना बने हुए, ये ख़त्म हो जाएं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, कॉटन बड एक लेना है, कॉटन जो है रोल, तो उसके अंदर से कॉटन लेके थोड़ी सी उसके अंदर डिप करके आपने अपने हाथों पे लगाना है इसको। ये देखिए मेरे हाथों की स्किन आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको बाउल को हटाती हूँ, साइड पर करती हूँ, आपको अपना हाथ सामने रख के दिखाती हूँ। मैंने इसको ऐसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, स्पून हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैं ऐसे डिप करूँगी, इसमें डिप करने के बाद मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे ऐसे करके टैप कर लूँगी, इसको ऐसे आपने अपनी फिंगर पे अपने हाथों पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। ये ही आपने इसको भिगो भिगो के अपने कॉटन को अपने नकल और अपने फिंगर, ये जो नेल्स के इर्द गिर्द वाली जगह होती है ये काली हो रही होती है, तो इसको आपने अच्छी तरह से इसके साथ आपने साफ़ करना है। इसको आपने ऐसे 2-3 मिनट छोड़ देना है, थोड़ा सा टाइम देना है इसको, और छोड़ने के बाद फिर आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ जो है ना वो अपने हाथ को धो लेना है। ये भी मैं 2 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना हाथ धो के कैसा। ये देखें जी हाथ मैंने धो लिया है, और अभी ये देख लें, इस हाथ पे मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ये हाथ मेरा थोड़ा सा काला काला सा नज़र आ रहा होगा आपको, और इस हाथ पे मैंने आपके सामने मैंने अप्लाई करके दिखाया, इसमें और इसमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है।
तो आप ये अगर 7 दिन अप्लाई कर लेंगी अपने हाथों के ऊपर और अपने पैरों के ऊपर, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ सुथरी सी हो जाएगी और आपके हाथ नीट एंड क्लीन होंगे। तो इस रेमेडी को बनाएं और फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दें लाइक। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। और अगली रेमेडी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।